नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोम और आप देख रहे हैं गेट सेट फॉर टेक। फ्रेंड्स, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं रेडमी 5A की, जो साउमी का एक बजट स्मार्टफोन है। इसके पहले हमने अनबॉक्सिंग की थी रेडमी Y1 Lite की। आप देख सकते हैं इसका जो बॉक्स है वो लगभग सेम उसी के जैसा ही है, बस साइज में थोड़ा छोटा है। और चलिए बॉक्स में हम सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, इसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। तो आप इसमें कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं इसमें ये जो कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन में दिया हुआ है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 4-5 क्वाड कोर प्रोसेसर है। इसमें 13 MP का बैक कैमरा दिया हुआ है, 5.0 इंच की HD डिस्प्ले दिया हुआ है। साथ में एक काफ़ी स्लिम बॉडी है, डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड के लिए स्लॉट दिया हुआ है, 3000 mAh की बैटरी है और साथ में MIUI दिया हुआ है, जो कि एक कस्टम रोम है साउमी की। ये आप डिटेल्स वगैरह इस फ़ोन की देख सकते हैं, इसमें ये फ़ोन की पूरी इन्फॉर्मेशन इसके पीछे दिया हुआ है। मेड इन इंडिया की नीचे सील दी हुई है, इसका मतलब है ये फ़ोन असेंबल्ड इन इंडिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अनबॉक्सिंग आज की, और देखते हैं कि हमें फ़ोन और उसके साथ में और क्या कुछ दिया हुआ है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, प्रेस कीजिए इस बेल आइकॉन को लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए फटाफट ओपन कर लेते हैं इस बॉक्स को। दोस्तों बॉक्स ओपन हो चुका है और ये बॉक्स भी सील्ड है। आप देखिए यहाँ पे एक सील थी और यहाँ नीचे भी एक सील दी हुई है। इस सील को भी चलिए ओपन कर देते हैं। चलिए बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। रेडमी Y1 से लाइट से काफ़ी ढीला बॉक्स था, ये फ़ोन साइड में रख लेते हैं अभी। इसके अंदर आप देख सकते हैं एसेसरीज में हमें क्या दिया हुआ है। एक लीफलेट है रेडमी 5A का, जिसमें सिम कार्ड वगैरह लगाने के लिए और इस फ़ोन के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स दी हुई हैं। ये आपका गारंटी कार्ड वगैरह दिया हुआ है, इसमें सपोर्ट की जानकारी दी हुई है, कस्टमर केयर वगैरह की इंफॉर्मेशन है। ये आप देख सकते हैं एक हमें माइक्रो USB केबल दी गई है। ये एक माइक्रो USB केबल है फॉर चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफ़र। ये हमें मिलता है एक सिम ट्रे इजेक्टर पिन, जिसे हम सिम और माइक्रो SD वगैरह लगाने और निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये हमें एक चार्जर मिलता है इसके साथ में, आपका USB चार्जर है, ये आप देख सकते हैं। और इस बॉक्स में बाकी कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ब्लैंक बॉक्स है। तो चलिए अभी थोड़ा सा फ़ोन के बारे में भी देख लेते हैं। फ़ोन आप देख सकते हैं काफ़ी स्लिम है, काफ़ी छोटा सा फ़ोन है और अच्छा लग रहा है हाथ में। ये कवर वगैरह इसके बैक से निकालते हैं। छोटा फ़ोन है, थोड़ा सा शेप में चेंज किया है, बहुत कुछ Y1 और Y1 Lite के जैसा ही दिख रहा है फ़ोन। मैंने डार्क ग्रे कलर में ऑर्डर किया है, ये आप गोल्ड कलर में भी ऑर्डर कर सकते हैं इस फ़ोन को। इसके ऊपर भी एक कवर दिया हुआ है, इसे भी हटा देते हैं। चलिए फ़ोन के बारे में आपको डिटेल्स दे देता हूँ। आपका राइट हैंड साइड पे आपको मिलता है वॉल्यूम रॉकर कीज़ और पावर बटन। ऊपर आप देख सकते हैं 3.5 mm का जैक है, एक नॉइस कैंसिलेशन का माइक दिया हुआ है, साथ में आपको IR ब्लास्टर दिया हुआ है। फ्रंट में आपको 5 MP का कैमरा देता है, सेंसर्स वगैरह दिए हुए हैं यहाँ पर। नीचे आप देखेंगे तो आपको माइक्रो USB के लिए पोर्ट दिया हुआ है, यानी कि डेटा ट्रांसफ़र और आपका चार्जिंग के लिए। साथ में एक नॉइस कैंसिलेशन माइक भी देता है। बैक में आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे स्पीकर्स की ग्रिल है, ऊपर MI का लोगो वगैरह दिया हुआ है। आपको यहाँ पर 13 MP का कैमरा और साथ में LED फ्लैश देता है। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें दो ट्रेस दी हुई हैं। चलिए ट्रेस को निकाल के हम देख लेते हैं कि इसमें हम क्या लगा सकते हैं। तो ये पहली ट्रे है, इसे निकाल के हमने देखा, इसमें आप एक नैनो सिम और एक माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं।
दूसरा आपका ट्रे को हम निकाल के देख लेते हैं, इसमें आप एक सिंगल नैनो सिम लगा सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो ये आपने देख लिया भाई ट्रे वगैरह, मतलब एक डुअल नैनो सिम और एक माइक्रो एसडी आप इसमें कार्ड लगा सकते हैं। तो चलिए फ़ोन को स्टार्ट करके भी देख लेते हैं कि इसमें हमें फ़ोन में क्या मिलता है। ये फ़ोन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, डिटेल्स के हिसाब से इसमें मिलेगा आपको MIUI 9, जो कि आपका एंड्रॉयड नोगट पे बेस्ड है। और आप जानते ही हैं जो लोग MI का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उनके लिए MIUI कोई नई UI नहीं है, बहुत बढ़िया UI है, सिंपल UI है और काफ़ी लाइट वेट भी है। ये आप देख सकते हैं बैक में आपको एंटीना लाइंस वगैरह दी हुई है। फ़ोन हमारा स्टार्ट हो रहा है, फ़ोन को चलिए स्टार्ट होने देते हैं, वेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका फ़ोन स्टार्ट हो चुका है, हम देख सकते हैं इसमें MIUI चालू हो चुकी है। चलिए इसमें थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन हम फ़ोन का देख लेते हैं, अबाउट फ़ोन में जाते हैं। ये देखिए Redmi 5A मॉडल नंबर, एंड्रॉयड 7.1.2 मिलता है इसमें आपको, MIUI 9.1, CPU आपका क्वाड कोर 4 to 5 स्नैपड्रैगन 1.40 GHz का, रैम इसमें 2 GB की मिलती है हमको, इंटरनल मेमोरी 16 GB टोटल है जिसमें से आपको यूज़ करने के लिए 8.76 GB मिलती है, बाकी की डिटेल्स इसमें दी हुई हैं। ये फ़ोन आपका 3G 4G 2G सारे नेटवर्क्स को सपोर्ट करता है, VoLTE इस फ़ोन में दिया हुआ है, यानी कि आप जियो की सिम या कोई भी 4G सिम को इसमें लगा के यूज़ कर सकते हैं। MIUI के बाकी के सारे फीचर जैसे डुअल ऐप सेकेंड स्पेस आपको इस फ़ोन में ऑलरेडी मिलते हैं, ये आप देख सकते हैं MIUI है, बहुत स्मूथ चल रहा है। बाकी इसमें कुछ हम अलग से ऐप्स वगैरह डाल के चेक करके भी देख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा एक क्लिक करके देखते हैं कैमरा कैसा है इसमें। 13MP का हमको रियर कैमरा दिया गया है, तो एक क्लिक करके देख रहा हूँ, ये सैंपल भी मैं आपको शेयर करूँगा। फोकस वगैरह अच्छा लग रहा है कैमरे का, बेसिकली ठीक है, कैमरा बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन जिस रेंज का ये फ़ोन है, ये फ़ोन आपको 4,999 रुपये में MI की साइट से या फ्लिपकार्ट पे सेल पे मिल सकता है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इस फ़ोन को लेना, क्योंकि सेल में आप समझ सकते हैं काफ़ी लंबी क्यू लगी रहती है। तो फ्रेंड्स हमारी अनबॉक्सिंग कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पर, और आप ये फ़ोन और इसके बारे में जितनी जानकारी हमारे पास थी हम आपको दे चुके हैं। बढ़िया फ़ोन है, आप देख सकते हैं हाथ में काफ़ी इजी टू हैंडल है और आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं सिंगल हैंडेडली भी। तो चलिए ख़त्म करते हैं यहाँ पे हमारी ये अनबॉक्सिंग, और देखते रहिए हमारे वीडियोस को। और अगर आपको पसंद आता है हमारा वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप इस तरह के और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।